schedule repealed by the Repealing and Amending Act 1930, Section 3 and Second Schedule. अच्छा ये जो है इसमें कहता है कि लिमिटेशन एक्ट में जो पीरियड बताया गया है, जो लिमिटेशन बताया गया है किसी सूट को फाइल करने के लिए, ये पीरियड जो है ये बाकी के जो सूट में जो है वो अप्लाई नहीं करेगा. लिमिटेशन एक्ट जो इससे पहले था उसमें जो भी प्रोविजन थी सूट फाइल करने के लिए और उस सूट की जो लिमिटेशन थी वो छोटी थी, तो फिर 1877 जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. और इसके साथ मॉर्गेज से रिलेटेड जिन टेरिटरीज में प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी वहाँ पर जो एक्ट 1930 है वो रिपील हो चुका है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा. 32 वैसे ही रिपील हो चुका है. जी आपका लिमिटेशन एक्ट हो गया कंप्लीट और अभी आप 9 बजे आपका जो है इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. 5 मिनट मेरा ख्याल है तो आप 5 मिनट के लिए ज़रा रेस्ट करें. Mm-hmm.